तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो अपन क्या करेंगे, जहां पे कोई अपन को सैंपल दिया जाएगा उस सैंपल के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है कि उस सैंपल को एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना है, ठीक है। और उसका अपन को एक होमोजीनियस अपने आप में क्या बनाना है, अपने आप में सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। और उस सोल्यूशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अपन क्या काम कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उस सॉल्यूशन के अंदर से अपना क्या इंटेंशन रहेगी कि जो अपन ने सैंपल किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला है उसको अपन किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी कि जिस सॉल्वेंट के अंदर अपन ने डाला है वो भी अपने आप में क्या है, कोई ना कोई सब्सटेंस ही है, कोई कंपाउंड है, तो उसका भी कोई फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर उसका फॉर्मूला है तो उसकी भी एक पीक आएगी, और उसका भी स्ट्रक्चर जो अपन इलेस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या जो अपना सैंपल है जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके अंदर उसकी वजह से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो अपन क्या कर पाएंगे कि उसको अपन पूरा पूरा उसको जो अपन सैंपल पता कर पा रहे हैं तो उसको पता नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को अपन हटाने के लिए अपन इस तरह का सैंपल यूज करना चाहेंगे जो कि अपने आप में जो भी अपन सैंपल जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उस सॉल्वेंट की वजह से उसके अंदर कोई इंटरेक्शन कम से कम हो, और इजीली अपन उसके इफेक्ट को नेग्लिफाई करके जो भी सैंपल है उससे अपन उसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो यहाँ अपना कंसेप्ट क्या होता है, या तो अपन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं या एब्जॉर्बेंट के अकॉर्डिंग लैम्ब्डा मैक्स के अकॉर्डिंग कौन सा कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन जो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग चाहिए उसको अपन सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वॉल्यूम है परसेंटेज अकॉर्डिंग उसको अपन फिक्स करके आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इजीएस्ट मेथड से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि 10% सॉल्यूशन बनाओ तो यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट बनाएंगे तो अलग अलग कंसिस्टेंसी का बच जाएगा, मगर इंडस्ट्री में अगर अपन इस तरह की गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा, पूरी फॉर्मुलेशन अपनी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो सैंपल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी एब्जॉर्बेंट वहां फिक्स कर देते हैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और उसी को अपन एक स्टैंडर्ड लेके ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के लिए अपन सॉल्यूशन वहां पे हर फॉर्मुलेशन के लिए अब एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट आएगा, ए सॉल्वेंट इज ए लिक्विड दैट डिसॉल्व द अनदर सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस रिजल्टिंग इन ए सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, जब भी कोई प्रिपरेशन बनाएंगे तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सोलूट सोलूट की इंटरेक्शन और डिसोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है वो किसके अकॉर्डिंग किस टाइप की अपने आप में वो रिएक्शन देते हैं सैंपल, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है या कोई इफेक्ट उसके अंदर ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो वो अपन एक टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे जिससे कि उसका सॉल्वेंट का डिसोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो जो भी सैंपल है वो किस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस फॉर्म में हो सकता है। ये तो हुई सैंपल की बात, अब अपन बात करते हैं सॉल्वेंट। तो जो भी अपन सॉल्वेंट वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं वो दो टाइप का हो सकता है, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो पोलर होने का मतलब उसके अंदर किसी ना किसी तरह का डाइपोल मोमेंटम उसके अंदर जनरेट है या फिर वो आयनिक फॉर्म में भी अपने पास सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, और नॉन पोलर मतलब किसी तरह का उसके अंदर कोई इंटरेक्शन अपने आप में उधर अपन को नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, ए ड्रग में शो वेरिड स्पेक्ट्रम एट द पार्टिकुलर वेवलेंथ इन द वन पार्टिकुलर कंडीशन बट शेम द एब्जॉर्ब द पार्शियली एट द सेम वेवलेंथ इन अनदर कंडीशन। तो यहाँ अपने आप में अपन क्या कह रहे हैं, कोई ड्रग तुमने ली, उस ड्रग को तुमने डिजोल्व किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, अब तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उसका क्या करोगे कि एब्जॉर्बेंस और लेमड़ा ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो किसी सॉल्वेंट के अंदर जो उसका ग्राफ बन रहा है तो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर भी अगर अपने आप में नॉन पोलर है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि वो जो ग्राफ अपने आप में बने वो थोड़ा सा डिफरेंट होके सेम कंडीशन में वहां अपन को देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रग की, तो ड्रग की कंसिस्टेंसी जब भी इंडस्ट्री में वर्क होता है तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ड्रग का ग्राफ भी कॉन्स्टेंट रखा जाता है। दूसरा अपन कह रहे हैं यहाँ पे
स्पेक्ट्रम की बात करें तो दिस अपीयर चेंज इन द स्पेक्ट्रम आर एक्सक्लूसिवली ड्यू टू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेमली। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखना चाहेंगे सॉल्वेंट की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस तरह का अपने पास सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट बैंड, जब भी अपन कह रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किस कंडीशन में वो अपने आप में एब्जॉर्बेंट बैंड को वहाँ शो करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्यूट किस टाइप का है। ऐसा ना हो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाए और कोई सॉल्यूशन बने ही नहीं, क्योंकि अपन को तो होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो पहला अपने पास टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं दैट सॉल्वेंट एक्सर्ट ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी और शेप ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो सॉल्वेंट कैसा हो कि जब भी अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर्व बनाए तो उसकी वजह से अपने आप में एक क्लियर और शार्प कर्व अपने आप में बने। ऐसा नहीं हो कि अपने पास ब्लर इफेक्ट में आ रहा हो या फिर उसके अंदर जो भी बॉटम्स है उसकी भी अलग अलग पीक्स आ रही, तो वैसी पीक्स उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस डिपेंडिंग पार्टिकुलरली अपॉन द सॉल्वेंट दैट हैव बीन एम्प्लॉयड टू द सोलुबलाइज द सब्सटेंस। तो वही वाली चीज अपने पास वापस आ गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपन वर्क कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का सिलेक्शन वापस उसी अकॉर्डिंग सोलुबलाइजेशन इजीली हो जाए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ए ड्रग में एब्जॉर्ब ए मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एज ए पार्टिकुलर वेवलेंथ इन वन सॉल्वेंट बट शेल एब्जॉर्ब द पार्शियली एट द सेम वेवलेंथ इन अनदर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अपन ऐसे समझे कि सॉल्वेंट के फॉर्म में अगर अपन यूज करते हैं तो जनरली अपन एथेनॉल यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इसी में अगर कंसिडरेशन में मैंने यह कर दिया कि हेक्सेन यूज कर लिया, तो दोनों अपने आप में क्या है नॉन पोलर कंडीशन में थोड़े थोड़े पोलर है, तो अपने आप में यह कहें कि हेक्सेन के मुकाबले में एथेनॉल थोड़ा सा पोलर है माइन्यूट सा, मगर उसकी वजह से जो पीक होगा मैक्सिमा पीक उसमें थोड़ा सा रेडिएशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हर कंडीशन में, अगर वो ज्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं, मगर कंसिडरेशन जब भी करेंगे तो फॉर्मुलेशन पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपन जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे अपने आपको दे दिया एसीटोन, अब एसीटोन को अगर अपन कह रहे हैं तो अब हेक्सेन एन हेक्सेन में जब अपन स्पेक्ट्रा निकाल रहे थे, स्पेक्ट्रा अपन एब्जॉर्बेंट और लेमड़ा के फॉर्म में जो अपने पास कर्व आया था, तो लेमड़ा मैक्स जो अपने पास आ रहा है वो कितने पर है 279 नैनोमीटर। अब इसी एसीटोन को मैंने पानी में मिला दिया तो अब कितने पे आ रहा है 264.5 नैनोमीटर। तो यहाँ पे अपने आप में क्या हो रहा है, जो पहले अपन एसीटोन को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो उसका स्पेसिफिक लेमड़ा मैक्स, जो मैंने क्या कहा था जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे ही लेमड़ा मैक्स किसी कंपाउंड का कांस्टेंट होता है, तो एसीटोन का एन हेक्सेन में कांस्टेंट कितना है 279 नैनोमीटर। वैसे ही एसीटोन का वाटर के अंदर अपन देख रहे हैं तो यहाँ अपन को कितना दिख रहा है 264.5 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट पानी में है और वो हेक्सेन के अंदर है। अब यहाँ पे हुआ क्या, हेक्सेन अपने आप में किस केस में है, हेक्सेन अपने पास में है नॉन पोलर कंडीशन में, ठीक है। हेक्सेन अपने पास एल्केन है तो अपने आप में क्या है नॉर्मल 6 कार्बन के, तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं नॉन पोलर है, जबकि वाटर अपने आप में क्या है पोलर। पोलरिटी के केस में अपने पास क्या हो रहा है लेमड़ा मैक्स कम हो रही, लेमड़ा मैक्स कम होने का मतलब यहाँ अपन लेमड़ा मैक्स कम कर रहे तो कौन सा शिफ्ट हो गया, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट मतलब ब्लू शिफ्ट की तरफ अपन शिफ्ट हो गए। तो जब भी अपन बात कर रहे हैं नॉन पोलर से पोलर की तरफ तो मैक्सिमम अपन क्या कह रहे हैं नॉर्मल से ग्राफ या तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ जाएगा या हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे किस साइड में शिफ्ट हुआ ये अपने पास ब्लू शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अपन देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी, जो अपन सॉल्वेंट यूज करेंगे तो जनरली जैसे मैंने अभी बताया कि 95% एथेनॉल यूज करते हैं मेनली केस में। तो व्हाई वी सेलेक्ट द 95% एथेनॉल इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ इट इज ए चिप, सस्ता है आसानी से मिल जाता है, हैज द गुड डिजोल्विंग पावर, आसानी से ये क्या कर रहा है जो भी अपने पास
ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचुरल ड्रग्स अपन निकाल रहे हैं जो कि प्लांट मटेरियल से आ रही है, उनको भी आसानी से डिजोल्व कर लेता है और डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन अबोव द 210 नैनोमीटर। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, 210 मतलब मैं कह रहा हूँ कि अपन कहाँ पहुंच गए, विजिबल के ऊपर अपन ने बताया था नियर यूवी, उसके बाद में फार यूवी, तो नियर यूवी फार यूवी, अब फार यूवी के अकॉर्डिंग अपन जा रहे हैं। तो अगर अपन 200 से अपन कहाँ सेलेक्ट कर रहे थे 400 के बीच, तो अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो अपने पास कौन सा रीजन आ रहा था, यूवी रीजन अल्ट्रा वायलेट, फिर 400 से अपन 800 के बीच में सेलेक्ट कर रहे थे तो अपने पास कौन सा आ रहा था, विजिबल रीजन वाला। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन वर्क कर रहे हैं तो अपने पास कौन सी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो 200 से अपन क्या कर रहे हैं 800 के बीच में डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सॉल्वेंट अपने आप में ऐसा अपन ने सेलेक्ट कर लिया जो कि 200 में 300 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंट दिखा रहा है, तो उस केस में वो क्या आ गया अपने पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल है उसके साथ में उसकी पीक आएगी, तो इसकी पीक आएगी तो अपन को क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि अपन सैंपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब भी सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो उस रेंज के अंदर अपनी पीक ना दिखाए जिस रेंज में अपने सैंपल की पीक की अपन को जरूरत है। तो डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन अबोव द 210 नैनोमीटर, 210 से ऊपर गया तो वो क्या आ जाएगा, सैंपल की पीक के साथ में अपनी पीक दिखाएगा जिसकी वजह से हम क्या कर नहीं कर पाएंगे, उसको जो सैंपल है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और रीडिंग में इंटरफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट चीज अपन देख रहे हैं, इन चूजिंग ए सॉल्वेंट कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन नॉट ओनली टू इट्स ट्रांसपेरेंसी बट ऑल्सो टू इट्स पॉसिबल इफेक्ट ऑन एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो उसके अंदर पास होके गुजर रहा था, कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन नॉट ओनली टू इट्स ट्रांसपेरेंट बट ऑल्सो टू इट्स पॉसिबल इफेक्ट ऑन एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो एब्जॉर्बिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपने आप में जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डेंसिटी के ऊपर। अगर अपन ने वहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ना बना के कंसेंट्रेट फॉर्म में अपने आप में सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो उस फॉर्म में अपने आप में एब्जॉर्बेंसी में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। तो जब भी अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर अपन सैंपल बनाएंगे तो वो वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में होगी, पिकोमीटर फॉर्म में भी अपन कर सकते हैं, 5 पर मिलियन में भी अपन उसको यूज में लेंगे, ठीक है। अगर अपन ज्यादा अगर कंसिस्टेंसी ले लेंगे तो क्या होगा कि एब्जॉर्बेंट पीक वहां अपने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट कंडीशन में ही सॉल्यूशन बनाए ताकि इजीली अपन उसको मेजर कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंट के अंदर इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, ठीक है। देयर आर अदर सॉल्वेंट विच आर ट्रांसपेरेंट अबोव द 210 नैनोमीटर। तो अपने पास और सॉल्वेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहले बोल चुके हैं, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी यूज बिकॉज दे एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ 240 to 280 नैनोमीटर। यहाँ पे जनरली क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजोल्व करने में यूज में ले लेते हैं, मगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन इनको यूज नहीं कर रहे। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका आंसर क्या हो गया अपने पास 240 to 280 नैनोमीटर। ये रेंज जैसे ही अपने आप में आ गई तो अपन क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर एंटर कर गई। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर कर गई तो जो इनके अंदर डिजोल्व सैंपल है उसकी पीक के साथ इनकी पीक अपने आप में इंटरफेयर करेगी। यहाँ पे कॉमन सॉल्वेंट यूज इन रिकॉर्डिंग द यूवी स्पेक्ट्रा, तो कौन कौन से अपने पास अपन यूज कर रहे हैं, वाटर अगर अपन यूज कर रहे हैं तो यहाँ वेवलेंथ 205, मेथेनॉल है तो 210, एथेनॉल 210, ईथर 210, साइक्लोहेक्सेट 210 और डाइक्लोरोएथेन तो 220। यहाँ देख लो जो भी अपने पास है ये सारे अपने आप में क्या होगी, फार यूवी रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करने वाले, मतलब इनकी पीक का अपने आप में कोई सैंपल जब करेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में आइडेंटिफिकेशन की इन्होंने पीक पहले ही बना ली, तो यूवी विजिबल के अंदर अपन इन सॉल्वेंट को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो ए सुटेबल सॉल्वेंट फॉर द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट अपने आप में देखनी है, अपने आप में
जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इट शुड नॉट इट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द रीजन अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे अगर अपन किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या लैब में वर्क कर रहे हैं, तो जनरली अपन को पता होता है कि जो भी सैंपल है उसकी पीक किस लेवल के अकॉर्डिंग और किस रेंज में आएगी। तो यहाँ पे अपन अपने आप ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा सॉल्वेंट अपन को यूज करें जिसकी पीक उससे इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो उस रीजन को अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस रीजन वाले सॉल्वेंट को जिसमें की सैंपल की पीक आती है। इट शुड बी लेस पोलर सो दैट इट हैज मिनिमाइज द इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ जो पोलर है, पोलर का मतलब क्या हो गया, या तो उसके अंदर स्लाइटली चार्ज है अपने पास डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के फॉर्म में, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज उसके अंदर स्टेबल फॉर्म में बन रहा है। तो इस तरह का अगर अपन सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, दो पोलर ग्रुप है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे सैंपल के अंदर पोलरिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो वीक फोर्स उसके अंदर जनरेट कर देंगे, वीक फोर्स जनरेट करने की वजह से वो अपने आप में कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अपने आप में क्या होगा, उसकी भी एक एक्सटर्नल पीक उसके अंदर एड ऑन हो जाए। तो ये अपने आप में क्या हो गया, इसके अंदर इंटरेक्शन हो गया। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट हमेशा नॉन पोलर ही सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको मैंने रेड में शो किया है। ठीक है, तो जब ये पीपीटी बनाई तो इसको ब्लैक था, तो मैंने इसको व्हाइट, तो मैंने व्हाइट कलर का था तो इसको रेड में इसीलिए कन्वर्ट किया। पोलरिटी अगर अपन देख रहे हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ ए पार्टिकुलर क्रोमोफोर। अब अपन बात कर रहे हैं क्रोमोफोर्स। तो जहां अपन ने क्रोमोफोर्स क्या देखा था कि जो सब्सटेंस जो कि अपने आप में कलर शो कर रहे हैं उसके अंदर कोई ग्रुप है जो कि उसके अंदर कलर को शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एक अपन ने पढ़ा था ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में क्या पढ़ा था कि अगर किसी क्रोमोफोर के साथ में उसको जोड़ देंगे तो वो उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन पोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो पोलरिटी में भी अपने पास क्या हो गया कि उसकी इंटेंसिटी तो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो वही वाली चीज अपने पास क्या होगी, अगर पोलर नेचर है तो उसकी इंटेंसिटी इफेक्टेड होगी और एब्जॉर्बेंट मैक्सिमा भी अपन को कम ज्यादा जो भी दिखना है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टेड हो जाएगा, या तो ब्लू या रेड किधर जाना है। इन केस ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर द एग्जाम्पल आयोडीन सोल्यूशन पर्पल कलर, the absorbent maxima occur at the almost the same wavelength as the iodine vapor. अब यहाँ पे iodine solution की बात कर रहे हैं। iodine solution के लिए अगर अपन मान लो इसको अपन ने नॉन पोलर कंडीशन में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है, हेक्सेन के अंदर मान लो मैंने इसको डिजोल्व करके बनाया किसी तरीके से या नॉन पोलर का सॉल्वेंट यूज करके, तो उस कंडीशन में जब मैं आयोडीन को के सोल्यूशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखता हूँ और दूसरी कंडीशन में किसी वेपर फेज में जो आयोडीन वेपर फेज में है उसको मैं फिलअप करके क्यूवेट के अंदर उससे अगर मैं स्पेक्ट्रा बनाता हूँ, तो दोनों स्पेक्ट्रा अपने आप में क्या होंगे, लगभग लगभग सिमिलर आएंगे। सिमिलर क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन पोलर है, तो मैंने क्या कहा सॉल्वेंट सेलेक्शन में अपन ने वो सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया जिसकी पीक उस रेंज में आई नहीं रही है। जब पीक आई नहीं रही तो बचा क्या, आयोडीन ही बचा। अब वेपर फेज में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने सॉल्वेंट नहीं मिला है सिर्फ वेपर ही है, तो उसकी पीक जो सॉल्वेंट की वो आनी नहीं है उसके साथ। जब वो उसके साथ पीक आनी नहीं है तो जो भी अपने आप में दिखेगा वो क्या दिखेगा, सिर्फ आयोडीन वेपर का ही अपने पास जो एब्जॉर्बेंट कर्व है वही दिखेगा लैम्डा मैक्स के साथ। इन केस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट मिला था तो क्या होता अपने आप में, ए ब्राउनिश कलर इज ऑब्टेंड इंस्टेड ऑफ द पर्पल कलर। तो यहाँ पे पोलर सोलवेंट अपने आप में क्या करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरेक्ट करने की वजह से अपने आप में क्या होगा, जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर किधर की साइड शिफ्ट हो गया, ब्राउन की तरफ। ठीक है, बिकॉज द एब्जॉर्प्शन अकर एट द शॉर्टर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो अपन पिक यू बना रहे थे अब वो पिक किधर शिफ्ट हो सकती है, इधर की साइड। तो उधर को अपन क्या करें, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया या ब्लू की साइड उसका शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया, कलर्स चेंज पोलराइजेशन ऑफ 12 बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सॉल्वेंट डाइपोल। तो अपन क्या कह रहे हैं, वो अपने आप में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया जनरल केस में अपन कहें, और ब्लू शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पोलर की वजह से अपने आप में क्या शिफ्ट हो गया, इसके अंदर
ब्लू शिफ्ट हो गया, जिसको अपन बोल रहे हैं इप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो पोलर सॉल्वेंट अपने आप में क्या करेगा, जो भी अपने पास नॉर्मल कंडीशन में अपने पास में जो शिफ्ट आ रहा है उसको वो अल्टर करके चेंज कर देगा। तो यहाँ पे आयोडीन अपन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास ट्रांजेक्शन की बात अपन कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन में अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, तो पहले अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के अंदर अपने देखा था सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार के अंदर गए, एन से पाई स्टार के अंदर गए, ठीक है, एन से सिग्मा स्टार के अंदर गए। वैसे ही अपने पास वापस अगर अपन ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो वापस वही तरीके से, क्योंकि एटम भी वही है, मॉलिक्यूल्स भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ अपन ट्रांजेक्शन और अपन जनरल केस में अगर अपन देख रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी होंगे जहाँ पे अपन को इजीली एनर्जी मिल जाए और वापस अपन उस फेज में आ सकते हो। तो यहाँ पे दो तरह की अपन बात करते हैं, एक तो अपन क्या देखते हैं पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार में अगर अपन गए तो पाई टू पाई स्टार कंडीशन अपने पास क्या हो गया कि यहां से ये वाला एनर्जी गेप कहा गया, ये वाला एनर्जी गेप अपन को मिल रहा है। दूसरा अपन बोल रहे हैं नॉन बॉन्डेड, तो नॉन बॉन्डेड यहाँ नॉन बॉन्डेड से पाई स्टार, तो ये अपने पास कंसेप्ट अपन को दिख रहा है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एनर्जी बैंड अपने पास छोटा है और एक ये एनर्जी बैंड, और बाकी का एनर्जी बैंड देखें तो ये सारे इसके मुकाबले में क्या अपने पास ज्यादा है, तो ज्यादा फोटोन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी की अपन को जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जनरल केस में अपन इसी के अंदर कलर के चेंज देखेंगे, कौन सा एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो यहाँ पे जब भी अपन शिफ्ट की बात करेंगे, हालांकि कहीं कहीं किसी बुक में अपन को सिग्मा से सिग्मा स्टार भी मिलेगा, मगर अपन कंसिडरेशन ओनली दो का ही करते हैं, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो इस बैंड के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो दिस बैंड अंडरगोज द ब्लू शिफ्ट, ठीक है, सिंस द ग्राउंड इज टेक विथ टू इलेक्ट्रॉन रिसीव द ग्रेटर स्टेबिलाईजेशन एट द एग्जिस्टिंग। तो यहाँ अपन जनरल केस में अपन देखें एन टू पाई स्टार, तो एन टू पाई स्टार कहाँ हो सकता है, जहां पे अपन ने पहले भी देखा था जहां पे हेट्रो एटम्स अपने आप में डबल बॉन्ड से जुड़े हों। कीटोन केस में अपन क्या है कार्बोनिल ग्रुप में, तो कार्बोनिल ग्रुप में अपन क्या कह रहे हैं सी ओ अपने पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अपने पास आ रहे हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन वो किसके बीच में हो रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप में क्या होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो एनर्जी अपन को जाएगी वो एनर्जी ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में जनरली ब्लू शिफ्ट आता है, तो N टू पाई स्टार शिफ्ट अपने पास हो रहा है। दूसरा अगर अपन देख रहे हैं पाई टू पाई स्टार, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन के अंदर अपन देख रहे हैं तो ये किसके अंदर आएगा, जो अपन कंजुगेट के फॉर्म में देख रहे हैं या एक जैसे अपने आप में एटम, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, या कैरोटीन के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं तो वहां पे अपन कह रहे हैं तो अल्टरनेट अपन को वहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिल जाते हैं। तो जब भी अपने पास कंजुगेट फेट में अपन बात करेंगे जबकि सिमिलर एटम है, तो यहाँ पे जनरल में अपन को याद रखना कि ये हमेशा रेड शिफ्ट होगा और ये हमेशा ब्लू शिफ्ट होगा, ठीक है। As solvent polarizes, it increases this band undergoes the red shift. तो ये हमेशा कहाँ जा रहा है रेड शिफ्ट वो ब्लू शिफ्ट में। This is so since excited state is more polar than the ground state and hence the stabilization greater relative to the ground state in polar solvent. तो यहाँ पे ये जो केस की बात कर रहा है तो वो किस केस की बात कर रहा है कि जब अपन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मैं अभी एक्स्ट्रा मेरे पास एक पीपीटी मैंने बनाई हुई है उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा इसको कि पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी अपन स्टेट को देखते हैं कि कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है ग्राउंड वाली या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अपन को क्या होगा कि शिफ्ट किधर होना है उसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ इसने ये जो बात कही यहाँ लिखा है सिंस एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर देन द ग्राउंड स्टेट हैज द स्टेबिलाईजेशन इज ग्रेट रिलेटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन पोलर सॉल्वेंट। अगर अपन क्या बात कर रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट अपन ने यूज किया है तो पोलर पोलर को स्टेबिलाईज करना चाहेगा, तो यहाँ पे अगर एक्साइटेड स्टेट लंबे टाइम तक रुकेगी या नहीं रुकेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करना है कि अगर एक्साइटेड स्टेट जो बन रही है वो पोलर नेचर की है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास ट्रांजेक्शन नजर आएगा, ठीक है।
और यहाँ अगर अपन ऊपर कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट अपने आप में अगर मान लो पोलर नेचर की है, तो जो सॉल्वेंट पोलर नेचर का है वो ग्राउंड स्टेट को ही स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ कंसेप्ट लाइक डिजोल्व लाइक जैसा ही लगता है, जो अपन कहते हैं ना सोल्यूशन बनाते हैं पोलर पोलर को डिसोल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि पोलर स्टेट जो अपने पास स्ट्रक्चर की है वो किस कंडीशन में स्टेबल है, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट की पोलर स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो सोल्यूशन जो पोलर सोलवेंट है वो उसी को स्टेबलाइज करेगा, और अगर ग्राउंड स्टेट में अपने पास पोलर अपने पास स्टेट मिलती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजेक्शन वजह से, तो पोलर सोलवेंट ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इजी सा यही कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है। प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर अपन देखें तो यहाँ अपन को क्या दिख रहा है, प्यूरिटी एंड सैंटिफाइड सॉल्वेंट फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी यूज, तो यहाँ पे प्योर फॉर्म में अपन यूज करेंगे वही कंसेप्ट है। यहाँ अगर अपन मिक्सर या किसी तरह का करेंगे तो उससे अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रिजोल्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम, तो ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में कैसे कैसे आ सकते हैं, दीज आर रिजल्टेड विद द सॉल्वेंट इज यूज द मेजरमेंट ऑफ द नियर एंड बिलो। तो ये अपन क्या कह रहे हैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, तो ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि अपन सेलेक्ट वही सॉल्वेंट करेंगे जो 210 के अपने अकॉर्डिंग अपने आप में उससे ऊपर की वेवलेंथ शो नहीं कर रहा है सॉल्वेंट। डाइपोल मोमेंटम की बात करें तो डाइपोल मोमेंटम अपन क्या कह रहे हैं, ये वही है जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, दो चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर चार्ज जिनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो एक चार्ज और उसके बीच की लेंथ को इंटू करके अपन डाइपोल मोमेंटम निकालते हैं। जो डाइपोल मोमेंटम है उसकी वजह से एब्जॉर्बेंट में इफेक्ट आएगा, तो एब्जॉर्बेंट बैंड ऑफ द मैनी सब्सटेंट आर रिलेटिवली शार्पर एंड मे ऑल्सो एग्जिबिट द फाइन स्ट्रक्चर वेन द मेजर इन द सॉल्वेंट ऑफ द लो पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नो पोलर मॉलिक्यूल्स से मतलब अपने पास क्या हो गया, अपने पास में जब अपन देख रहे हैं तो उसकी वजह से अपने आप में अगर पोलर है अपने पास डाइपोल मोमेंटम अपने आप में जनरेट कर रहा है कोई कंपाउंड, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं हेलो एल्केन अपने यूज कर लिए, उसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं किसी तरीके से डाइपोल मोमेंटम बन रहा है, उसको अपन ने नॉन पोलर के अंदर अपन ने जिसके अंदर डाइपोल मोमेंटम नहीं है, तो वहां पे अपने आप में क्या होगा कि वो अपने आप में जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में फाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग पीक्स अपने आप में उसको दिख जाएगी। वो पीक्स किसकी वजह से आएगी, वहां पे जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक तो कौन कौन से रोटेशन की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी वजह से आएगी, ठीक है, एक तो अपने पास, और एक वाइब्रेशन की वजह से जो अपने पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस तरीके से अपने पास अलग अलग पीक्स अपने आप में वहां देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जनरल फेज में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को अपन ने समझा, ठीक है, जो अपने आप में सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे करना है, चूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने तीन पैरामीटर देखे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट बैंड और नेचर ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट केस में अपन इसी को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ ना कुछ इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन इसको लेना चाहेंगे। तो कीप स्माइल, बी हैप्पी, डू योर बेस्ट, थैंक यू।